हाय दोस्तों, तो आज हम लोग एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर अजाज अख्तर भाई ने कहा था। तो ये रिव्यू आपके लिए और आप सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने 96 ये मूवी नहीं देखी है, और जिन लोगों ने 96 मूवी नहीं देखी है, मैं उनसे इतना ही बोल दूं कि इस रिव्यू के बाद आप लोग ये मूवी को एक बार तो जरूर देखोगे। और ये मूवी कहां से देखे मैं आपको बता दूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का ओरिजिनल लिंक दूंगा, यानी कि यूट्यूब पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी के लीड रोल में आपको नजर आते हैं विजय सेतुपति और त्रिशा। फिल्म की कहानी की बात करो तो कहानी से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें जो ऐसी लव स्टोरी बताई, ऐसी प्योरेस्ट लव स्टोरी बताई जो मैंने अपने लाइफ में आज तक किसी फिल्म में देखा नहीं। इतना रियलिस्टिक वे में इस फिल्म को बनाया गया है, मतलब हर एक सीन इस फिल्म के अगर आप देखोगे तो आपको एकदम ऐसा लगेगा आप कोई फिल्म नहीं बल्कि सच्ची में कोई राम और जानू को देख रहे हो, या तो फिर राम के जितने भी दोस्त यहाँ पर बताए उन लोगों को देख रहे हो। मतलब फिल्म स्टार्ट होने कुछ देर बाद आप ये भूल जाते हो कि आप फिल्म देख रहे हो या कोई रियल में किसी की लाइफ के बारे में सब कुछ देख रहे हो, और आप वाकई में वहां पर मौजूद हो, आपको ये फील आती है। ये एक ऐसी लव स्टोरी जो मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉलीवुड में यहाँ पर लव स्टोरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चूतियापंती बताई जाती, जो कि आपको ये फिल्म में देखने को कतई नहीं मिलने वाली। यहाँ पर आपको जो असली प्यार होता है, जो सच्चा प्यार होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर प्यार का मतलब हमेशा किसी को पा लेना ही नहीं होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, असली प्यार किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपको ये मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया। खैर मैं आपको इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो कहानी में हमें नजर आते हैं विजय सेतुपति, जिनका इस मूवी में नाम है राम। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है जहां पर विजय सेतुपति एज राम एक फोटोग्राफर है, और वो काफी स्टूडेंट्स लोग को फोटोग्राफी किस तरीके से की जाती है वो सिखा रहे, लेकिन जाने अनजाने में वो अपनी उस जगह पर पहुंच गए जिनसे उनको काफी लगाव, यानी कि वो अपने पुराने गांव पहुंच गए जहां पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा है, जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे, जहां पर वो मिठाई खाते थे, जहां पर वो स्कूल पढ़ चुके। तो जाने अनजाने में वो उस गांव में पहुंच जाते, गांव में पहुंचने के बाद उनको हर एक जगह याद आती, लेकिन तभी रास्ते में उनको अपनी पुरानी स्कूल दिखती जहां पर वो स्कूल पढ़ चुके थे। 1996 में वो वहां पर स्कूल पढ़ चुके थे, तो वो स्कूल जाते सिर्फ रिविजिट करते, देखते कि अभी भी स्कूल बदला है या नहीं बदला। तो स्कूल जाने के बाद वो पुरानी यादें ताजा होती जाती, जैसे कि उनका स्कूल का जो एक वॉचमैन था, आज भी वो वॉचमैन वहीं पर है, वहीं पर जॉब करता है वहां। फिर उसके बाद वो स्कूल में जाते, स्कूल में जाने के बाद वो बेंचेस देखते जहां पर वो बैठते थे, वो कॉरिडोर जहां पर वो घूमते थे। फिर उनको अपने दोस्तों के बारे में याद आता, तो अचानक से वो अपने एक दोस्त को कॉल लगाते हैं और बोलते कि मैं अपने गांव में अपनी पुरानी स्कूल में हूँ, तू भी यहाँ पर आ जा, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वही है, वही वॉचमैन, वही टेबल, वही कुर्सी, वही कॉरिडोर, सब कुछ सेम है। तो उसका दोस्त वहां पे डिसाइड करता है कि क्यों ना हम लोग रीयूनियन करें। रीयूनियन मतलब कि जितने भी 96, 94, 95 के जितने भी स्टूडेंट्स है, जो इन लोगों के दोस्त थे, उन सबको हम लोग चेन्नई में 2 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद बुलाएंगे, उसके बाद सब लोग रीयूनियन करेंगे, यानी फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन यही पर आता है कहानी में ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखिए सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहानी है राम और जानू की, इनका प्यार किस तरह से शुरू होता है और कहां पर जाकर खत्म होता है। मैं इसको खत्म नहीं बोलूंगा, ये एक तरीके की शुरुआत ही बोलूंगा मैं। अब वो क्या है वो आप ये फिल्म में जरूर देखना। देखिए प्यार का मतलब लोग आजकल के जो जनरेशन है उनको लगता होगा कि किसिंग करना या फिर लड़की के साथ मतलब जो भी है क्लबिंग करना, या लड़का लड़की जो भी एक दूसरे के साथ सोचते कि प्यार का मतलब क्या होता है, तो प्यार का मतलब वो कुछ नहीं होता जो आज की जनरेशन सोचती है। एक्चुअल प्यार क्या होता है वो आपको इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया, मतलब कुछ भी गंदगी नहीं है। मतलब मैंने आज तक कोई लव स्टोरी ऐसी नहीं देखा जहां पर आपको मतलब यार मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस फिल्म के बारे में बताने की। वन ऑफ द बेस्ट मूवी मैं बोलूंगा जो मैंने हाल फिलहाल में जो देख रहा हूँ, और ये सब मुमकिन तब हो पाया जब आप जैसे लोग मुझे कह रहे हो कि भाई ये मूवी का रिव्यू करो, और आप लोगों के थ्रू मुझे ये सब फिल्मों का देखने का मौका मिला, जो कि कहीं ना कहीं मैं अगर नहीं देखता तो मैं शायद बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता। और मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरे रिव्यूज पसंद आते हैं और आपको मेरी कई बात समझ में आती है तो आप एक बार ही से इस फिल्म को जरूर देखना। इस फिल्म में ऐसी कोई भी गंदगी नहीं है जो आप उसको फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। ये एक प्योर एंड प्योर लव स्टोरी है, बहुत ही एंटरटेनिंग वे में बनाई गई है और बहुत ही रियलिटी के करीब रखने की कोशिश की गई है, और वो ये रियलिटी ऐसी है जिससे हर एक इंसान अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। स्पेशली राम का जो कैरेक्टर है, राम के कैरेक्टर के टाइप के लड़के बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं मैं खुद अपने आप को राम के से ही कनेक्ट कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये मूवी
मुझे पर्सनली बहुत दिल को भा गई, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्चुअली। आज आप सोच रहे होंगे कि आज क्यों नहीं आप ज्यादा क्यों नहीं बोल रहे, तो वजह यही है कि इस फिल्म के बारे में आई थिंक मैं जितना बोलूंगा ना उतना कम है। और अब मैं त्रिशा मैम की बारे में बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत लगी वो इस फिल्म में, स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ही बेहतरीन। और इन दोनों की जोड़ी, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और एक नया फ्रेश एहसास दिलाती है। और जो अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने ऑलरेडी ये फिल्म को देख चुके हो तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं हूँ राशिद शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। तो इस मूवी और ऐसे रिलेटेड और मूवीज वेब सीरीज के रिव्यू के लिए आप अरहान एंटरटेनमेंट में जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल है जिसको ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करना, क्योंकि उससे यही फायदा होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हो। तो बस मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना, बाय।